अपना खाना डाल रहा है एंड पापा डाल रहे हैं, तो वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। भैया। क्या बेइज्जती कर दी? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहा है टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं, और अब जाके हम मतलब उठे तो कब के हैं, हम कोई उठे थे 7 बजे, लेकिन अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी सफाई वगैरह चल रही है पूरी, मम्मा कर रहे हैं अच्छे से सफाई वगैरह अंदर बाहर सब। अभी तो अंदर से वो ऊपर से आ रहे हैं सीढ़ियों से, उसके बाद बाकी भी करेंगे अभी अच्छे से। एंड यहाँ पे ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरी हुडी है ना मतलब घर से मैंने धोई थी, उसके बाद वो गीली रह गई, मतलब फिर गीली थी तो मैं ऐसे उठा के ले आया गाड़ी में, यहाँ पे आके अब धूप में डाली है। अब जब सूखेगी मैं तब जाकर डालूँगा, नहीं तो तब तक यार ठंड लग रही है, और अभी तक तो नहाने वाने का भी कुछ नहीं पता है, पर सफाई हो जाए अच्छे से फिर देखते हैं। अभी ये देखो मम्मा तो यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, अंदर से तो पूरी मतलब कर दी है सफाई, बस अब ये रह गया इतना सा, और उसके बाद यहाँ पे पोछा लगेगा। ये देखो अंदर पूरा साफ हो गया, अभी इतना तो नहीं हुआ साफ, क्योंकि यहाँ पे तो कभी कभी आना होता है, जैसे महीने में एक बार आ गए, लेकिन वहाँ पे जैसे अब रोज़ झाड़ू पोछा लगता है तो फिर सफाई रहती है। अब महीने में एक बार आएंगे, बाकी एक महीना यहाँ पे फिर गंद तो मचेगा, और मकड़ी ने कितने सारे जाले डाले थे वो भी सब अपने साफ किए। एंड अभी तो मतलब चलो हो गया है साफ जितना है, अभी 3-4 दिन रहना है, तब तक करेंगे अच्छे से सफाई। और अब इसके बाद खाना बनाना है। अभी देखो अभी टाइम 11:26, और अभी तक कुछ खाने वाने का नहीं पता। एंड गाइस अभी तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी 1% है, कभी भी डेड हो सकता है, और यहाँ पे अभी लाइट भी नहीं है। अब लाइट कब आएगी, कब जाके चार्ज लगाएंगे? ऊपर ना वो दरवाज़ा खुला हुआ है ना छत का, वहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है यार, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखो हर जगह देख लो सब सफ़ेद सफ़ेद ही है, क्योंकि पूरा घर को ही सफ़ेद पेंट करवाया, बस बाहर है जो ब्राउन। और उसको देखो, वो देखो वो कहाँ बैठा है, ये देखो गया था अभी धूप में बैठा था, अभी मैं इधर आया तो आ गया कालू। इसका नाम कालू बहुत अच्छा लगता है, कालू देना पूंछ ही लाएगा कालू। ऐसे ही करता है। ओए चल जा धूप में बैठ जा, जा 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 धूप में बैठ जा, जा हाँ जा धूप में बैठ जा, जा वो देखो जा रहा है धूप में बैठने के लिए। तो वह सफाई वगैरह भी हो चुकी है गप की, और साथ में हमने मतलब खाना वाना भी खा लिया, नहा वहा भी लिया है। एंड मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका, तो टाइम शायद मेरे लगभग लगभग 4 बजे होंगे, देख लो कितना टाइम हो गया। और मेरा फ़ोन भी हो गया स्विच ऑफ हो चुका है, अभी तक लाइट नहीं आई है। अब लाइट पता नहीं क्यों नहीं आ रही है ऐसे ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लाइट जाती नहीं थी, हम जितनी बार भी आते हैं लाइट नहीं जाती है, और अब हम आए हैं तो अब लाइट ही नहीं आ रही है। अब लाइट आएगी शायद 5 बजे, मतलब बोल रहे हैं सभी कि 5 बजे तक आएगी, अब देखते हैं कब तक आती है, फिर उसको आप तो फ़ोन चार्ज लगाते हैं। भैया तो मस्त अपने गाड़ी में बैठ के फ़ोन चार्ज लगा रहे हैं साथ में, और उधर ही बैठे हुए हैं, और हम लोग तो यहाँ पे अब हुडी वगैरह मेरी सूख गई थी तो मैंने डाल ली। एंड अब मेरे को इतनी ठंड नहीं लग रही है, पर अब धूप गई है, फिर से शाम होने वाली है, अब ठंड वापस बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं जो भी होता है। अब पापा भी अपना मस्त वहाँ पर सोए हुए हैं, और मम्मा वगैरह थोड़ी बहुत और ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, मिट्टी इतनी जल्दी जाती नहीं है ना, अब अच्छे से सफाई करेंगे तो जाके जाएगी। और फिर थोड़े बहुत काम है, शायद आज जाएंगे बाज़ार, नहीं तो कल जाएंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं 2 दिन और रहेंगे, उसके बाद हम लोग भी घर चले जाएंगे। पर यहाँ पे मज़ा काफ़ी आ रहा है, और वो है ना क्या नाम है कालू, अभी तो यहीं पर था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया, अब यहीं पर है तब से। कभी धूप में उसको कंबल दिया हुआ है ना, तो बार बार खुद ही अपना कंबल खोलता है, उसमें घुस जाता है, छिप जाता है। और ना गेट है ना वो वाला गेट, वो भी अपने आप खोल लेता है, पैरों से खोलता है, और जब अंदर आना होता है तो धक्का दे के खुद ही अंदर आ जाता है, ऐसा करता है वो, बहुत ही ज़्यादा समझदार है। ये देखो ये मेरी नानी और ये मेरे नानू, मतलब इनको तो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं, बस फोटो में देखा है, नानी को तो देखा है मैंने। और पहले पहले जब थे ना ये, तो यहाँ पे आने का अलग ही मज़ा आता था, हम आते थे तो ये मेरे को ऐसे मतलब परौंठी वगैरह बना के देते थे, ये वो, मतलब यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बार बार मन करता था आने का, पर अब इतना मन नहीं करता यहाँ पे आने का, क्योंकि अब कोई होता ही नहीं है यहाँ पे, हम खुद ही आते हैं। ऐसे नहीं तो नानी के साथ आते थे तो मज़ा ही अलग आ जाता था, अब खुद आना, खुद ही रहना, फिर वापस चले जाना, इतना मज़ा तो नहीं आता है, पर आ ही जाते हैं कभी कभी, और आएंगे मतलब ऐसे तो, पर नानी के साथ जो मज़ा था ना वो तो अलग ही था। मैंने इसके यहाँ पे कंबल बिछा के दिया और मैं इसे बैठ गया, कालू ये तो बेचारा उबासी ले रहा है, इसको है ना ठंड बहुत लगती है, तो रात को जब सोए थे ना तो इसके ऊपर पूरा कंबल लपेट दिया था,
और मैं ऐसे सोता रहा मतलब सुबह तक, फिर सुबह अपने आप ही निकल गया कंबल से बाहर। और मैं यहाँ पर किचन में, मम्मा खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे। ये क्या आलू? आलू वाले हैं, थोड़े से चाय बना रही हूँ। हाँ इधर वैसे मैंने अभी तक एक बार भी चाय नहीं बनाई, चाय पी ले दो। इधर मैंने एक बार भी नहीं बनाई है, इधर मम्मा ही बना रहे हैं। यहाँ पे है ना, किसी भी रूम में चले जाओ, हर रूम में ऐसा लग रहा है जैसे एक ही है, क्योंकि रंग एक ही है ना, वाइट। और अभी भैया वगैरह, भैया और पापा गए हैं सामान लेने, गए हैं कुछ मार्केट गए। यहाँ पे कितना किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर, तो बस इतनी पास पास गए हैं अभी सामान लेने, कुछ मतलब जो भी चाहिए वगैरह। अभी 2-3 दिन और रहना है ना इसीलिए, उसके बाद फिर हम भी चले जाएंगे घर। एंड ठंड मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, हाथ पे बहुत ज़्यादा लग रही है और पैरों पे लग रही है, बाकी तो चलो ऐसे है। एंड वैसे तो अभी टाइम हो रहा है 6:43, और मेरा मतलब फ़ोन चार्ज हो गया था, लाइट आ गई थी, और फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी अपना फ़ोन चार्ज लगाया, अभी भी 40% है, बाकी बाद में लगा लेंगे। इसे कौन सा इतना चलाना है, घर पे ही ऐसे चलाते हैं। एंड आज ना बस से सफाई वगैरह हुई है, मतलब कल रात को हम आए थे और आज रात, बस आज मतलब एक पूरा दिन बस सफाई वगैरह में निकल गया थोड़ा बहुत। एंड आज आज तो घर पे बनाए खाना, आलू वगैरह ही बना लेंगे, और क्या बनाएं, मैगी पड़ी है, मैं शायद मैगी बना के खा लूँगा, नहीं तो आलू ही खा लूँगा। और यहाँ पे देख लो अंधेरा हो चुका है, मतलब 6 बजे का हो पड़ा है, अभी तो 6:45 के आसपास हो रहे हैं। एंड अगर मतलब नानी होते ना, नानी के साथ मैं वीडियो बनाता तो कितना मज़ा आता, मतलब अब तो यहाँ पे ऐसे इतना मज़ा नहीं आता है मतलब रहने का, वैसे ऐसे ही आए हैं रह रहे हैं थोड़ा, पर नानी होते ना उनके साथ मैं वीडियो वगैरह बनाता, ये वो बहुत मज़ा आता है यार। बस उनकी फ़ोटो है और हम हैं, और यहाँ पे कालू है, ये तो अपना मस्त हो गया, इसको ठंड भी लगती है तो ये खुद में ही लिपट के घुस जाता है बस। तो आज मम्मा की तो चाय बन गई थी ये देखो, तो फिर मैंने साथ में बना ली मैगी, सबकी फेवरेट मैगी, तो बस फिर मैगी वगैरह खाते हैं। और मैं साथ में देख रहा था यूट्यूब, तारक मेहता वगैरह देख रहा था, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। पापा भी आ चुके हैं मार्केट से सामान लेके, एंड अब कर रहे हैं गाड़ी को अंदर। अंदर करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा है ना इसीलिए, तो निकालने में उससे भी ज़्यादा, एक बार अभी निकाला ना तो एक टायर ही पूरा खड़ा हो गया था, मतलब ऊपर को आ गया था एकदम। एंड अभी मम्मा काट रहे हैं प्याज, और फिर बनेगी सब्जी, और हम लोग तो खाएंगे। मम्मा आज तो बस यही काम हुआ, कल कुछ कहीं जाना घूमने? कल मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा सामान लाऊंगी। मार्केट नहीं ना, कहीं और मुझे घूमना है, घूमना है। हाँ ऐसे तो घर पे क्या ब्लॉग दिखाऊं, कहीं घूमने जाएंगे तो मज़ा आएगा ना। मैंने मम्मा बना रहे हैं यहाँ पे खाना, रोटी और साथ में आलू मटर की सब्जी मैंने बनाई है, कमेंट करके बताना कैसी बनी गाइस, ठीक है। मैं वैसे बहुत टेस्टी बनाता हूँ सब्जी, ये देखो क्या बात है यार। तो बस अब खाना वाना खाएंगे। मम्मी घी है यहाँ पे? घी नहीं, अब ऐसे खानी पड़ेगी, कोई बात नहीं ऐसे खा लेंगे। ये देखो एक बार फिर से देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना। अरे यार ये क्या आ गया, इसके धुंध जम गई। हाँ अब सही है, चाय भी बनाता हूँ। हाँ मैं सब्जी बनाता हूँ, मैं चाय भी बनाता हूँ, बस मम्मी यार रोटी बना देते हैं कभी कभी, नहीं तो वही मैं ही बनाता हूँ। गाइस अभी अपना खाना डल रहा है यार, ये इसका धुआं आ रहा है ना बार बार ऊपर जम रहा है, अभी अपना खाना डल रहा है एंड पापा डाल रहे हैं, तो वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भैया क्या बेइज्जती कर दी तेरा तेरा? नहीं भैया क्या, भैया यार अपना खाना ले लो, ये लो भैया सब, फाइनली अपना खाना आ चुका है, थैंक यू सो मच, इस बार बच गया। हाँ हाँ गैस अब अपना खाना आ चुका है, बस खाना वाना खाते हैं एंड अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।